नमस्कार बागवान भाइयों, द हिमालयन एप्पल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बागवान भाइयों, आज मैं आपको जो अपने सेब के पत्ते हैं वो दिखाना चाहूँगा। जो पत्ते हैं, ये आप पत्तों का साइज देखिए बागवान भाइयों। जो पत्ते हैं, शुरू में जिस तरह से पत्ते निकलते हैं वो छोटे होते हैं, तो पेटल फॉल तक वो छोटे ही रहते हैं, पेटल फॉल से बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप मेरे पौधे में देख पा रहे होंगे, पेटल फॉल भी नहीं आया, आप आया फ्लोरिंग जो है 15-20% फ्लोरिंग इसमें बची हुई है। और आप पत्तों का साइज देखिए, क्या पत्तों का साइज है, और ये पूरी तरह हरे है। अगर क्योंकि जब पत्ते आते हैं शुरू में कुछ इस तरह के होते हैं, इस पत्ते में देखिए थोड़े से येलो से होते हैं, पर लगभग मेरे जो है 60-70% जो पत्ते हैं वो हरे है। इसमें पूरा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल की कोई भी कमी नहीं है बागवान भाई। तो क्योंकि बागवान भाई, वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि जो पत्ते हैं, पत्तों में जो है पौधों का जीवन बसता है। अगर आपके पत्ते जो है ये हेल्थी हो गए, तभी आपका आपका जो फ्रूट क्वालिटी है वो बेहतर बनेगा, या फ्रूट क्वालिटी और आपका फ्रूट साइज जो भी है वो बहुत ही बेहतर बनेगा। ये आप पत्तों का साइज देखिए बागवान भाई, ये आप पत्तों का साइज देखिए। तो इसमें मैंने कुछ स्पेशल भी यूज नहीं किया था बागवान भाइयों, इसमें मैंने जो है इसमें मैंने यूरिया की खाद डाली थी और पोटाश भी मैंने MOP डाला था, जो हमारी सोसाइटी में मिलता है, जो सरकारी खाद हमारी मिलती है वही मैंने यूज किया था इसमें। तो बहुत से लोग कहते हैं कि आप अच्छे से अच्छी महंगे से महंगी खाद यूज कीजिए, आपको कोई भी महंगे से महंगी खाद डालने की जरूरत नहीं है बागवान भाइयों। आप प्रॉपर जो हमारा जो नॉन यूनिवर्सिटी हमें शेड्यूल देती है आप वही फॉलो कीजिए, और एक टाइमिंग जो है टाइमिंग सही पकड़नी पड़ती है। अगर आपकी टाइमिंग सही रहेगी, जो आप स्प्रे डाल रहे हैं, जो आप खादे डाल रहे हैं, उसकी अगर टाइमिंग सही होगी तो कोई भी कमी नहीं रहेगी आपके बगीचों में। क्योंकि अगर आपके पत्ते सही है, सबसे ज़्यादा ध्यान हमें हम क्या करते हैं फ्रूट पे देते हैं, फ्रूट पे भी देना पड़ता है पर सबसे ज़्यादा ध्यान हमें पत्तों पे देना होगा। अगर आपके पत्ते हेल्थी हो गए तो फ्रूट जो है वो हेल्थी ही होगा, तो डेफिनेटली फ्रूट आपका हेल्थी ही होगा। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें 15-20% फ्लोरिंग बची है, तो अभी पत्ते छोटे होते हैं लगभग हर जगह पे। तो हमारे जो बगीचा है इसमें आप पत्ते देख सकते हैं, आप किसी भी पेड़ को देखिए, पत्ते जो है बहुत ही शानदार पत्ते हैं। ये देखिए पत्तों का साइज और पत्तों के अंदर क्लोरोफिल, ये देखिए, ये तो रेड गोल्डन है, रेड गोल्डन का पत्ता लगभग इस टाइम 2.5 इंच का है, ये देखिए, और ये रॉयल का पत्ता है जो हमारा ट्रेडिशनल रॉयल है, ये देखिए क्लोरोफिल पूरी तरह से हरे पत्ते हैं। तो बागवान भाइयों, वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि आप महंगे प्रोडक्ट की ओर मत भागिए, आपको अपना जो एक प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करना है और जो टाइमिंग है वो सही पकड़नी है। अगर आप प्रॉपर से शेड्यूल को फॉलो करते हैं और टाइमिंग सही पकड़ते हैं तो आपके बगीचे में कोई भी कमी नहीं होगी। तो मेरा यही मकसद था कि आप महंगी से महंगी प्रोडक्ट की तरह मत भागिए, जो सस्ता और किफ़ायती हो। एक तो आपको कंपनी देखनी है, जो कंपनी अच्छी हो आप वही यूज़ कीजिए, और जो आपको अच्छे के साथ सस्ता पड़े आप वही यूज़ कीजिए, क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं इस समय बहुत ज़्यादा हमने बढ़ा दिए हैं, और जो हमारी प्रोडक्शन है वो डाउन आ रही है और खर्चे हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। हम लगभग एक बॉक्स के पीछे 25-30 किलो के बॉक्स के पीछे हम 400-500 रुपया खर्च कर रहे हैं, जो एक बहुत ही गलत बात है। तो बागवान भाइयों, ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।